अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी फिलहाल सुबह के बजे ने पता नहीं यार क्या टाइम होया है, 8:05 होंगे होने ने। अभी मैं पेपर की तैयारी करने वक्त इसे नहीं दिखाया क्योंकि मैं 7:20 पे उठूँ और मेरे 6 चैप्टर हैं साइंस के, तो जल्दी जल्दी पढ़े हैं। अभी 4 चैप्टर पढ़े हैं, 5-6 तो मैंने कल भी पढ़ लेते, इसलिए भी नहीं पढ़ा। तो फिलहाल यार अभी टाइम हो गया मैं यहाँ से 8:05, तो पेपर भी देने जाने। मैं आपको पेपर से आके दिखाऊंगा, चल पेपर से आके दिखाता हूँ। बहुत जी, फिलहाल मैं आ चुका हूँ फाइनली पेपर देकर। यार इतना को लंबा पेपर था ना, इतना लंबा पेपर था जिदा कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह की कसम है, लिख लिख के मैं थक गया हूँ। फुल आटो पाटो बुंड फाड़ पेपर था ये, जो साइंस का पेपर था। आ जा तेन खुवा देना, रुक जा यार खुवा देना ना, फिर ना करें जे। तो मैं कह रहा था कि पेपर बाबा जी आता था मुझे, लेकिन इतना लंबा था ना, लिख लिख के कसम से क्या ही बताऊं। सिर्फ आखिर में हम 3 बच्चे रह गए थे जिसमें से पता नहीं बाकी सारे किसी बच्चों को भी नहीं था सही पेपर आता। मेरे सामने जो लड़का बैठा हुआ था उसने तो सिर्फ 2-3 में ऐसे क्वेश्चन किए होने मुश्किल से, या वो भी नहीं किए होने। बाकी और किसी को पेपर बाबा जी किसी को आता ही नहीं था। साइंस का पेपर पता नहीं क्यों नहीं था आता, मुझे तो इतना आसान लगता है। यार 2 मिनट उतरना, 2 मिनट उतर प्लीज, 2 मिनट इधर बैठ जा, इधर बैठ जा ना, बैठ जा इधर। मैं पेपर थका दा, पेपर थका दा, मैं तेरे नाल फिर गल करना मेरा बच्चा रुक जा। तो यार पेपर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और हमेशा की तरह 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव था जिसमें मैंने 13 नंबर का कन्फर्म बिल्कुल यस सही किया। बाकी 2 नंबर के मैंने तुक्के लगाए हैं, तो वो अभी तुक्के का कोई पता नहीं है सही हुए हैं कि नहीं। ये है जी पेपर, क्वेश्चन पता है कितने हैं, 6, 6, 12, 18, 18, 20, 22, 24 क्वेश्चन थे जिसमें 18 शॉर्ट थे और 6 जो है थे ना वो लॉन्ग थे। ये आप लोग देख लो, ये सारा पेपर है। 2 मिनट तरह एक थंबनेल के लिए फोटो हो जाए। ये चीज़ ये मुझे नहीं था आता, ये साइंटिफिक वर्ड काफल वेर उन्हीं आता था, न्यूक्लियर टेस्ट वाला आता था, बायोलॉजी वाला आता था, बाकी बात वाला आता था, नाइट्रोजन साइकिल वाला आता था, बर्निंग वाला आता था, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला आता था, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइफ स्टॉक वाला आता था, वैक्सीन वाला भी आता था। ये व्हाट इज डाइट फॉर ओल्ड पीपल, ये तो मैंने अपने से बोंगी मार दी है कि लेस शुगर वाला खाना और ये वगैरह। बोंगी नहीं वैसे सही है, बूढ़ों को शुगर वाला कम देते हैं ना। और व्हाट इज मीन्ड बाय एजिंग, एजिंग का ये होता है ना जो उम्र बढ़ती है। मैंने लिखा है एजिंग इज अ एजिंग, पता नहीं क्या लिखा था, एजिंग हैज अ डिफरेंट, यार बस लिखा आ गया, मैं भूल गया था लिखा, भूल गया हूँ लिखा लिखा। और डेंगू वाला भी मैंने अपने से लिखा है, पिछले 2-3 सालों से ऐड चाह रहे थे कि साफ पानी ना रखो, साफ पानी में डेंगू होता है, इसलिए मैंने ये वो लिख के आ गया इंग्लिश में, लेकिन क्योंकि उर्दू में नहीं, मैंने साइंस रखी हुई, उर्दू में मुश्किल है भाई बड़ी। टाइफाइड वाला लिख के, हॉस्पिटलाइजेशन वाला आता था मुझे, एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर भी आता था, ग्लोबल वार्मिंग भी आता था, और वाला भी मतलब पता था कि और क्या होता है ये, मैं इसलिए अपने से लिखा हूँ। यार चुप कर जाना, कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान है, ये आता था, वाटर सॉल्वेंट वाला आता था, ब्लड ग्रुप वाला आता था, वैक्सीन वाला भी लॉन्ग आता था, फॉसिल फ्यूल्स वाला भी आता था। तकरीबन लॉन्ग जो थे ना, लॉन्ग मुझे सारे आते थे सही, मतलब सही नहीं मतलब कह लो कि आते थे, मैं लिख के सही सही आ जाऊं ठीक है। इतने खास पक्के भी नहीं थे आते, लेकिन ये दोनों मुझे सही पक्के आते थे, ये दोनों भी पक्के आते थे। इनमें जरा ये जरा इतना पक्का नहीं था आता, इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल ये वाला भी आता था, रिड्यूस पोल्यूशन वाला। तो इन शॉर्ट ये बाबा जी आपका वाइप का पेपर यस हो गया, यस। और कल इस्लामियात का हरी पेपर फिर जांच हो गई, अभी मैं यार थोड़ी देर में इसको फीड कराता हूँ, रुक जाना मेरी जान, फिर तो ये कराता हूँ, फिर आपको मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिल कर रहा फिलहाल जरा आड़ू का जूस पीने का, इसलिए मैं जा रहा हूँ आड़ू छाड़ू लेने, बोतल शोतल मैं ले से ले लूँगा, आड़ू लेने जा रहा हूँ अभी आपको ना, मैं गाजे आड़ू छाड़ू ले लूँ फिर आपको दिखा दूँ। गर्मी बाबा जी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मजबूरी में निकलना पड़ता है। अब आपको मैं लेने के बाद, आड़ू लेने के बाद दिखाता हूँ। बाबा जी फिलहाल मैं ले कर आ चुका हूँ, क्या नाम है इसका, ये शुगर आड़ू और साथ स्प्राइट आड़ू मुझे मिले हैं, 150 रुपये के पता नहीं कितने मिले हैं, किलो से थोड़े से कम मिले हैं, मतलब पाँ नहीं मिले, किलो से थोड़े 1.5 पाव मिले हैं, 1.5 पाव मेरे हाथ से। फिलहाल यार अभी जब इनका जूस पानी का था आपको बता देता हूँ। और जब फिलहाल मैं तोतू को करवाने लगा हुआ था फीड, और आ गया है बन कर जो मैंने लाया था, क्या कहते हैं यार मैं बार बोल रही तू आड़ू का जूस मैं ला रहा हूँ, बहुत मजे का कसम से। चेक करना बंदा पूछे, अभी इधर से उतर सकता है, इधर से जो चढ़ रहा है
आपको ना मैं दिखा दूंगी, ऊपर मैं चढ़ाऊंगा ना फिर ये नीचे उतरने में जरा देर लगाता है, इसलिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। मानते हो फिर, मानते हो भाई को, इनशाला टाइम हो जाएगा। बाकी आपको मैं खाने के बाद दिखाता हूँ, पहले जूस भी अपना पी लूँ, सारी गैस खत्म हो जानी है। तला मुझे बुलाने आया था कि आओ मोहिश कुछ खाने चले, मैंने कहा चलो ठीक है तला भाई चलते हैं, वैसे भी तला भाई जाए। कुतिया तूने मेरे पैर में ऐसे लगी है डाटी, वो देख बोंडू शेख्स ने व्हील मारी है हल्की सी, ये देख मेरे पैर पे सारी चीजें भर गई है, पेड़ मार दो मेरी जूती। हाँ तो जूती लगी है ना, दर्द हो रही है मुझे, वो थोड़ी वाले अच्छा भैन गलियों में तेरा दिमाग नहीं काम करता, गलियों में ये काम करते है जो भी कर रहा है यार। तेरा तो मोटरसाइकिल धुलवाने आया था, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। लाल यार खाने खाने जा रहे हैं आपको मैं दिखा, तो पता नहीं क्या खाता है छड़ी वाला, मुझे लेके आ क्या दे रस्ते में, माशाल्लाह प्यारा हीरा माड़ा तुमने आधे रस्ते में मुझे ला के भोसड़ी वाला, तो कहता है कि मैं तो खाने के लिए नहीं आया था, मैं तो वैसे जगह देखने आया था, तेरा तोता इधर ट्रेन करेंगे पीछे ग्राउंड में, या तेला तो जीव चीज है, मुझे भूख लगी हुई है बेटे, वो तू अपने फायदे के लिए यहाँ पे करेंगे का जोड़ा होता, कहता है वो भी काबू में आएगा, सच बता ना पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया, ओके ओके डन है डन है डन है। और बाबा जी आज रात को मेहंदी भी है, मेहंदी में देखेंगे क्या खाना शाना है। मुझे नहीं बताया, अबे भोसड़ी के तेरे घर वालों सारों को पता, तुझे नहीं पता लोड़ू, हाँ तो तू काम काम तो होना है ना, तू रहता नहीं बिजनेस मैन, घर में जाके पूछना किसकी मेहंदी है, पता ही नहीं है घर में होने के बावजूद इसको पता नहीं है, लानती शख्स। ओह सॉरी सॉरी, अपने मुसलमान भाई पे लाने तेरे डालते, मैंने इसने उसकी मुझे वीडियो भेजी थी, मैंने भूल गई फिर से गलती से डाल ही दी है, क्या करूँ यार आदत से मजबूर हूँ ऐसी बंदों पर डालना पड़ती है, फिर यार पता नहीं है खिला रहा तो रहा नहीं है कुछ, बाद में आपको दिखाता हूँ। और जी फिलहाल अभी हमने तला भोसड़ी वाले ने मेरे चिप्स फाइनल खिला दें, जिसमें से 70 रुपये मेरे हैं और बाकी तला गए 250 में 70 रुपये मेरे हैं पीछे का वाइट सॉस। याद नहीं करना रहा फिलहाल, अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुआ और पेपर की तैयारी अभी अभी करके हूँ भैन दी सीरी। एक तो यार पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम यार क्यों है इतना बुरा यार, समझ नहीं आती मुझे भैन दी सीरी। 30 चैप्टर है, 30 मानतू मैं इस्लाम को पढ़ना चाहिए, लेकिन यार ये देखो ये चैप्टर देख रहे हो कितने हैं, ये सारे चैप्टर हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ये भी आता है ये सारे चैप्टर आते हैं, मैंने बोला कौन कौन सा चैप्टर छोड़ा है वो आपको दिखाता हूँ, मैंने छोड़ा है कसम के काम व हसाइल ये छोड़ा है, उसके अलावा ये हजरत उमर बिन उमैया ये वाले वगैरह आते हैं, खुद एतमादो अंसारी, यार मैं आपको दिखाई देता हूँ मैंने कौन कौन सा छोड़ा है, उसवाए रसूल मोहम्मद ये तो आते हैं हजरत सलम के बारे में, ये वैसे इस्लामियात मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार इतना ज्यादा काम है ना अभी, अभी मैं 2-3 घंटे लगा के पढ़ के आया हूँ तब जाके अभी खत्म हुआ इसका, अभी भी 2-3 चैप्टर रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इतना मतलब मुश्किल है बहुत आसान, लेकिन लेंथ ही बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा लंबा है काम है ये मैंने छोड़ा है फतेह मक्का का किया है, कौन सा छोड़ा था रोजे का भी किया मेरे यहाँ से, इसके आगे छोड़ा है मैंने सलम की अमली जिंदगी भी किया, ये तो आसान ही है सारे सलम के बारे में, हमारी जिंदगी भी की है कि शुक्रों को नात भी किया है, तो बच्चों वाला चैप्टर है मन में बुरी आदत से इज्तनाब छोड़ा है मैंने, ठीक है, और बुरी आदत से इज्तनाब ये हसद मैंने किया पिछला छोड़ा था, वो एक महीना दो ऐसे लेसन शेसन है बस यार, मैं नहीं अब दिखा रहा वीडियो ऐसी लंबी हो रही है, अभी मेहंदी भी है, मेहंदी की तैयारी करते हैं आपको मैं बाद में अब दिखाता हूँ यार, अभी फिलहाल मैं मेरी स्नैप ना बनाइए, तो अभी फिलहाल मैं तैयार शेयर हो चुका हूँ, तैयार क्यों से शूज ही पहने, लड़के थोड़ी तैयार होते हैं, लड़कियों का जरूरत फट होता है मेन होता है, और फिलहाल अभी जो है ना ये सारी चीज़ें हैं मेहंदी के लिए जो कि फजूल खर्ची है वैसे है ना मामू, कोई फायदा नहीं है इनका जिंदगी में, इनका कोई फायदा नहीं है, लाइटें शाइटें लगाई हैं और सामने हमिद साहब बैठे हुए, अली मुर्तजा साहब भी हैं, सुनाओ अली मुर्तजा भाई, हामिद भाई तुम भी ऐसे करो वैसे ऐसे, क्या फजूल खर्ची है कसम से। फिलहाल बस यही सीन है मेहंदी का, खाना पीना कब होगा भाई, खाना पीना थोड़ी देर में, खाने पीने वक्त आपको दिखा दूँ। बाबा जी मैंने आधे चावल खा लिए, उसके मुझे आया कि याद आया कि मैंने ब्लॉग भी बनाना था अभी, इसलिए मैंने कहा ब्लॉग बना लें,
और मेहंदी शहंदी सारी हो गई है। कासिम मामू भी आए हुए हैं, सुबह इंशाल्लाह उनसे मुलाकात अभी कराऊंगा। सुबह मैं सर कोट उन्हीं के साथ जाना है। बाकी यार अभी इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।